हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे प्रीवियस ईयर का लॉ से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है ये जेई एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि अगर ये हमारा इक्वेशन है तो इसका जो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो ए टू द पावर लॉग सी बाई बेस बी के फॉर्म में रहेगा, जिसमें बी और सी जो है अगर अगर बी और सी रिलेटिवली प्राइम नंबर है और ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो हमें सम निकालना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे चीज कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो आइए देखते हैं। पहला हमारे पास टर्म है ये देखिए, लॉग ऑफ थ्री टू एक्स टू द पावर लॉग ऑफ थ्री टू द बेस टेन और थ्री टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस टेन, ये दोनों आपस में रिवर्स लग रहा है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अगर ए टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है तो सॉरी सी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी टू द पावर लॉग ऑफ सी टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। मीन्स हमारा जो एक्स नंबर और जो लॉग है दोनों चेंज हो सकता है, ठीक है, रिवर्स हो सकता है। तो अभी हम लोग यही करने वाले हैं, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ थ्री टू द बेस टेन, इसको लिख सकते हैं थ्री टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस टेन, लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा थ्री टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस टेन टू द पावर होल टू माइनस थ्री टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टेन माइनस टू, ये बनेगा। अब देखिए हम लोग इस टर्म को थ्री टू द पावर लॉग एक्स बेस टेन को टी मान सकते हैं, मान लेते हैं टी, ठीक है। तो अब जो ये हमारा होगा ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा माइनस टी, ये टर्म हो जाएगा टू, ठीक है, इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टू, यहाँ से टी कॉमन ले लिया तो टी माइनस टू, यहाँ से वन कॉमन ले लिया तो टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो टी प्लस वन इज इक्वल टू टी माइनस टू। अब देखते हैं ये जीरो यानी ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, या तो दोनों जीरो हो सकता है। तो टी प्लस वन इजकल टू जीरो एंड टी माइनस टू इजकल टू जीरो, यहाँ से जो टी का वैल्यू आएगा वो माइनस वन आएगा, यहाँ से जो टी का वैल्यू आएगा प्लस टू आएगा, ठीक है। अब देखिए टी हमारा क्या है, टी हमारा जो माने है वो थ्री टू द पावर है यानी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का जो है एक्सपोनेंट जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। एक्सपोनेंट का ग्राफ देखेंगे तो ये हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये एक तो नहीं कैंसिल हो गया, बच गया क्या थ्री इजकल टू टू। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब देखिए हम लोग का अगर टी इजकल टू टू आ रहा है और टी माने है थ्री तो इसको लिख सकते हैं थ्री टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस टेन इजकल टू टू, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग दोनों साइड लेते हैं लॉग बेस थ्री के फॉर्म में, लॉग ऑफ थ्री लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टेन इसका बेस थ्री बाय लॉग ऑफ टू टू द बेस थ्री, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ये टर्म मेरा बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टेन इंटू लॉग ऑफ थ्री टू द बेस थ्री, और ये ऐसे ही रह जाएगा लॉग ऑफ टू टू द बेस थ्री। अब देखें ये हमारा क्वान्टिटी आ जाएगा वन, यानी हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टेन इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू टू द बेस थ्री, इतना दूर तक समझ में आया, ठीक है। अब अगर हम x का वैल्यू लिखें तो x क्या आ जाएगा, ये 10 टू द पावर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हमें कंपेयर करना है इसके साथ, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आया 10 टू द पावर लॉग 2 बेस 3, और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू a प्लस b प्लस c। तो आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरा ए के जगह पे दिख रहा है कि 10 है, मीन्स ए जो हमारा आया वो आया 10, सी जो है सी जो हमारा दिख रहा है वो दिख रहा है 2, ठीक है, और बी जो है बी का वैल्यू जो हम लोग को दिख रहा है बेस है जो कि 3। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन जो है, जेई एडवांस का क्वेश्चन जो है टफ नहीं होता है, बस हमें उसके सारे कंडीशन को देखना पड़ता है, सारा कंडीशन सेटिस्फाई करके पेशेंसली सॉल्व करना होता है, सारा क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या हम लोग छोटा कर सकते हैं क्या, इससे हम लोग को क्वेश्चन शॉर्ट पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन हमारा आता है 4x² + 12x + 9, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4x² + 12 यानी 9 को 36 36। ओके नहीं, तो ऐसे ही बन जाएगा 2x² + ये 3 का होल स्क्वायर, ये 2 × 2x × 3, लिख सकते हैं 3 × 6 = 12। यानी डायरेक्ट ये जो हमारा दिख रहा है वो 2x + 3 का होल स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। यानी हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है 6x² + 23x + 21। इसको लिख सकते हैं 6x² + 14x + 6 + 3 9x + 21, लिख सकते हैं क्या 14, हाँ सही है। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं 2 कॉमन 2x कॉमन ले लिया तो बचा 3x + 7। यहाँ से भी मैं ले लिया 3 कॉमन तो बच गया 3x + 7, यहाँ पे प्लस तो आएगा 2x + 3 × 3x + 7 = 0, नहीं, ठीक है। यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इस तरह मैं इंक थोड़ा रिफिल कर दूँ। हाँ तो हमारे पेन में अब इंक आ चुका है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब फॉर्म को चेंज कर देते हैं, लॉग ऑफ बेस 3x + 7, ऊपर को लिख दिया 2x + 3 होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 2x + 3 बेस में चला गया, बेस है, ऊपर को लिख सकता हूँ 2x + 3 × 3x + 7, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो = 4 ये बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें भी थोड़ा पेशेंस रखना है, काफी लंबा क्वेश्चन है। अब देखिए ये 2 जो है हमारा इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 2 log of 2x + 3 to the base 3x + 7, ये आ जाएगा प्लस, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, log of 2x + 3 to the base 2x + 3 प्लस log of 3x + 7 to the base 2x + 3, लिख सकते हैं = 4। अब देखिए ये हमारा दोनों का बेस और नंबर सेम है, तो ये हमारा जो आएगा ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हमारा जो है 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 2x + 3, यहाँ पे 3x + 7 दोनों, और यहाँ पे 3x + 7 है बेस में 2x, यानी दोनों को रिवर्स कर सकते हैं। यानी अगर हम पहले पढ़ चुके हैं log of a to the base b है, तो इसको लिख सकते हैं 1/(1 − 2t − t + 1)=0, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 2t कॉमन, तो t − 1 या −1 कॉमन ले लिया, = 4, तो हमारा हो जाएगा, नहीं, 4 नहीं 0 ही रहेगा, क्योंकि मैं तो पहले ही कर चुका हूँ इसको, तो ये हो गया हमारा 0। तो आएगा 2t − 1 × t − 1 = 0। यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, 2t − यानी ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकता है। तो t माइनस, तो यहाँ से t का जो वैल्यू आया हुआ है 1/2, इसका t का जो वैल्यू आया हुआ है 1, ठीक है, क्या आया, दो वैल्यू आया। अब t हम लोग क्या माने थे, तो t जो माने थे वो माने थे log of 3x + इसको माने थे t log of 3x + 7 बराबर 2x + 3, इसको हम लोग t माने थे। तो पहला क्या है 1/2, तो log of 2x + 3 to the base 3x + 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो डेफिनेशन से जाएंगे तो 2x + 3 = 3x + 7 √ आएगा, आया कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा
टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इजिकल टू 3x+7 यानी 4x² + 9 + 3 जो 6 12x, इधर लिख देंगे 3x+7। अब आ जाएगा हमारा 4x² इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9x+2 = 0 यानी आ रहा 4x + 9x+2। तो इसको और छोटा कर सकते हैं 4x² + 8x + 1 + 2, 4x कॉमन ले लिया तो आएगा x + 2 यहाँ पे आएगा +1 = 0 है तो इसको इधर लिख सकते हैं 4x + 1 × x + 2। ठीक है तो x का वैल्यू 2 आया -1/4 और x का वैल्यू आया -2। ठीक है दो वैल्यू आ रहा है इसे हमें याद रखना। मैं साइड में लिख देता हूँ अभी तक मेरे को क्या क्या वैल्यू आया। पहला आया -1/4 दूसरा आया -2। ठीक है नेक्स्ट टी की ओर बढ़ते हैं। टी हमारा नेक्स्ट क्या था t = 1। ठीक है तो अब लिखेंगे log ऑफ 2x+3/3x+7 = 1। वन सेकेंड तो यहाँ पे हमारा था log 2x+3/3x+7 = 1। तो यहाँ से लिखेंगे 2x+3/3x+7^1। सॉल्व करेंगे तो आएगा x = -4। ठीक है यानी x का मुझे एक और वैल्यू आया -4। ठीक है मेरे को x का तीन वैल्यू आ चुका है। अब देखते हैं कि कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ये नहीं कि हम लोग का सारा आंसर सही होगा तो देखिए ये कैसे चेक करते हैं तो ध्यान से दीजिए। देखिए यही IIT का क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिक रहता है कि वो आपको बहुत सारा सॉल्यूशन दिखा देगा ऑप्शन में भी सारा ऑप्शन दे देगा लेकिन आपको देखना है कि कौन सा यूज करना है। तो देखिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखा था log ऑफ 3x+7 यहाँ पे आया था 3x+7 × फिर से देखिए क्या था सॉरी ये हम लोग का जो आया था वो आया था 2x+3 होल स्क्वायर और ये जो हमारा आया था ये आया था 2x+3 × 3x+7 आया था। ठीक है यानी अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि log of x to the base a तो इसका जो हमारा कंडीशन होता है कि a जो है हमेशा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ये यूनिफाइड कंडीशन में इसका बेस और इसका दोनों इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला जो हमारा आता है 3x+7 > 0 तो यहाँ से वैल्यू आता है x > -7/3। ठीक है नेक्स्ट जो है हमारा 2x+3 > 0 मीन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए -3/2 से। अब इसको देखेंगे तो ये आएगा 2.33 something और यहाँ से जो आएगा x > -1.5 यानी अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें ये 0 है ये 1.5 है ये मैं 2.33 तब कह रहा है x का वैल्यू जो है इससे बड़ा होना चाहिए एक कंडीशन में कह रहा है दूसरा में कह रहा है कि 1.5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है तो अब हमको वो यानी जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो दोनों का कंबाइन होगा तो क्या होना चाहिए जो भी सॉल्यूशन होगा हमारा ये 1.5 से बड़ा होगा सॉरी ये जो है हमारा 1.5 से इधर बड़ा होना चाहिए। देखते हैं अब देखिए -4 तो -2.3 के भी इधर हो गया यानी -4 नहीं हो सकता -2 -1.5 और -2.3 के कहीं बीच में लड़ाई कर रहा है यानी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जो सॉल्यूशन हमारा 1.5 से बड़ा होना चाहिए। अब आता है -1/4 इसको लिखते हैं हम लोग 0.25 -0.25 अब देखिए 0.05 0 और 0.5 के बीच में आ रहा है यानी हाँ ये हमारा एक्सेप्ट है यानी x का जो हमारा फाइनल कंडीशन होगा -0.25 होगा। क्वेश्चन में देखिएगा ऑप्शन में आपको सारा ऑप्शन दिया है आप तो मार के चले आइएगा कि हाँ मेरा तो सारा आंसर सही है लेकिन IIT का यही खेल है वो एक कंडीशन सेटिस्फाई भी करवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा जो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।